रिमा प्लीज हम लोग कुछ और बातें करते हैं ना मिलकर, ये चुड़ैल की बातें बंद कर दीजिए ना प्लीज प्लीज। सॉरी सॉरी बेटा, हम चल हम प्यार की बातें करते हैं। हाँ यार वो सब छोड़ो, ये डेकोरेशन का सामान देखो। इतने से डेकोरेशन हो जाएगा? आप लोगों को ना कोई आइडिया ही नहीं इन सब मैटर्स में। बल्कि आपको तो रीमा भाभी से पूछ लेना चाहिए था ना, उनकी चॉइस कितनी अच्छी है इन सब मैटर्स में। बल्कि आप लोगों को पता है शाम की पार्टी में ज्वेलरी क्या पहनी है, वो तो मैं रीमा भाभी से ही पूछने वाली हूँ। आप लोगों ने वैसे भी ये जो दिया है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं अभी रीमा भाभी से पूछ के आती हूँ। रीमा भाभी, रीमा भाभी, लगता है मुझे ही संभालना होगा। सुनिए, आप मुझे पेन किलर्स दे देंगे क्या? एक्चुअली अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। वो आपके रूम में रखी है साइड टेबल पे। हाँ आई नो, लेकिन वहाँ बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई है, मालूम नहीं पड़ रहा कौन सा पेन किलर है। आप प्लीज निकाल दीजिए ना, बहुत पेन हो रहा है सच्ची। शायद वहाँ पेन किलर्स है ही नहीं, मैं अपने रूम से ले आती हूँ। अभी लाइए। आपकी पुतली या खेलने की गोटी, ये उछली ये पकड़ी, ये उछली ये पकड़ी, ये उछली ये पकड़ी, ये उछली ये पकड़ी। तारा इस तरह घबराई हुई रीमा दी के कमरे की तरफ क्यों चल रही? आदिति भी वहीं गई थी, जरूर कुछ कर पड़े। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो क्या होगा, सब ठीक है। तारा तुम इस तरह यहाँ भागकर क्यों आई? अदिति, अदिति आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज शाम की पार्टी के लिए। पार्टी 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 पार्टी। रीमा भाभी, मैं पार्टी में क्या कपड़े पहनूंगी, क्या जूते पहनूंगी, क्या मेकअप लगाऊंगी, क्या ज्वेलरी पहनूंगी, सब आप डिसाइड करना, सब कुछ आप। और खाना, पार्टी में खाना भी तो होगा ना? मैं मेन्यू तो देखना ही भूल गई। जो भी नहीं होगा ना, मैं मेन्यू में सब कुछ ऐड करवा दूंगी, सब कुछ। हाँ बिंदास, तुझे जो ऐड कराना है ना ऐड करा, और मस्त खा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पार्टी में तो उन्हीं को खाकड़ा फाफड़ा जलेबी,
सब कुछ खाने मिलेगा, सब कुछ, सब कुछ, सब सब कुछ खाने मिलेगा। क्या कर रही हो, गिर जाओगी। दियो, काकरा, फाफड़ा, ये सब तो गुजराती डिश। अदिति को ये सब क्यों खाना? अदिति, तुम कितनी स्वीट हो। मैंने तुम्हें कल ही बताया कि मुझे गुजराती खाना पसंद है और तुमने मंगवाने की ऑलरेडी प्लानिंग शुरू कर दी। You're so sweet. लेकिन ये ना पार्टी है, पार्टी में पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें आती है, तो हम वो खाएंगे। पिज्जा, बर्गर, पास्ता, हाँ ये सब भी अच्छा है। पार्टी में ये सब खाएंगे, गुजराती खाना बाद में खाएंगे, पार्टी में ये सब। ये तारा जरूर कोई खेल खेल रही। पहले रीमा दी का बिहेवियर बदल गया और अब अदिति भी। ये पूरा मामला है क्या? कल तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कल की वैलेंटाइन्स पार्टी में मैं अपने प्यार आरफ को पूरी तरह अपना बनाकर उस चारू को लाल किवाड़ से निकाल कर तेरे प्यारे परिवार को उसके हवाले कर दूंगी। यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर, मगर मैंने अभी अचानक से कुछ किया तो बात बिगड़ सकती, मेरे परिवार पर खतरा आ सकता। दी, मैं अभी आती हूँ। जा जा सिमर, वैसे भी तेरा हमेशा के लिए चले जाने का वक्त आने वाला है। ये चारू चुड़ैल ना मुझसे जलने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। क्या करूं मैं इसका? तो टेंशन क्यों ले रही है, निकाल ले उसे बाहर। किस्सा ही खत्म कर। हाँ, उसके बाद तू अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। अरे लेकिन कैसे निकालूं? सिमर के कहने पे वो बाबा ने लाल किवाड़ के आगे इतने सारे बंधन बांध दिए और ऊपर से सबको तावीज पहना दिया। लगता है उस बाबा का ही कुछ करना पड़ेगा। चुड़ैल, वो चुड़ैल अब यहां का रास्ता नहीं कर पाएंगे। ये यहां कैसे आ सकती है? सिमर, तुम इतनी रात को? आ जल्दी अंदर आ। प्रणाम बाबा। आना पड़ा बाबा, भाती कुछ ऐसी थी। मुझे आभास था कि तुम आओगी। सिमर, क्या तुम यहां अपने घर में मौजूद अमांगली कुर्जाओं से परेशान होकर यहां आई हो?
आपको कैसे पता चला बाबा? मुझे खुद खतरे का आभास हो चुका है सिमर, और ये खतरा घर की औरतों पर ज्यादा भारी है। ये उन्हीं को अपना निशाना बनाने वाला है। तुम्हें इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा सिमर, वार कभी भी हो सकता है। मगर बाबा, वो बुरी शक्तियां हमसे चाहती क्या? प्यार, हवस, लिप्सा, हर वो चीज जो इंसानों को नसीब होती हैं, पर उन्हें नहीं। ऐसी ताकतें तब तक शांत नहीं होती जब तक वो सब कुछ छीन ना ले। अगर एक बार ये किसी को अपना निशाना बना ले तो उसे तबाह करके मानती है, उससे पहले नहीं। हाँ बाबा, उन बुरी शक्तियों ने अपना खेल शुरू कर दी। रीमा दी और अदिति के व्यवहार में अचानक से बदलाव दिखा। ऐसा लग रहा है कि वो उन बुरी शक्तियों के वश में आ चुके। उन्हें जो करना है करने दो सिमर, मुझे अपने ताबीज पर पूरा यकीन है। जब तक वो ताबीज सब घर वालों के पास है, किसी को कुछ नहीं होगा। बस तुम्हें इतना देखना है, गलती से कोई भी घरवाला इस ताबीज को ना उतारे। हाँ बाबा, मैं अपने परिवार और अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े वो करूंगी, और ये ध्यान रखूंगी कि कोई भी ये ताबीज ना उतारे। हाँ अदिति, ये देखो तुम्हारा रक्षक ताबीज, कैसे तुमने उसे लावारिस टेबल पे छोड़ दिया है। कब सुधरेगी तू? कब तू जाकर लाएगी? अगर किसी चुड़ैल ने देख ली तो? हिमा भाभी, चुड़ैल? अब मैं क्या करूंगी? अगर ये किसी चुड़ैल ने देख लिया तो वो उसे जला देगी। इतारा, ये वाला मुझे जलाने देना प्लीज। चल ठीक है, ले जला ले, इसके भी मजे ले ले। आग देख के ना तेरे दिल में ठंडक पड़ गई है। बिल्कुल सही कहा, पर वो इसलिए क्योंकि तावीज के जलने से बांध टूटने की शुरुआत हो गई है। अब हम ऐसे ही एक एक करके सारे बांध नष्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद सिमर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो इस बात पे नाच गाना हो जाए। क्यों नहीं, वैलेंटाइन्स डे आरिफ जी, एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। इतना कुछ कहाँ किया सिमर, करना चाहता था लेकिन तुमसे ज्यादा मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम इतना करती हो हमारे लिए। मैं एक्चुअली घर वाले सही कहते हैं, हमारी बहू हीरा है, हीरा। और हीरे की पहचान तो एक चोरी को ही होती है ना। चोरी? कुछ याद आया? मैं
कहाँ? प्यार करती हूँ मुझसे? सबसे ज्यादा भरोसा है मुझ पे, खुद से ज्यादा। ये तुम्हारे लिए? ये मेरे लिए? खोल के देखो। हरिफ जी, ये तो डायमंड डायमंड कड़े, लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा ना। सिमर, मैं चाहता था तुम्हें दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा ला के दूं, फिर क्या करूं? फिर ख्याल आया कि सबसे बेशकीमती हीरा तो मेरे पास है। मेरे सिमर, यू डिजर्व द बेस्ट इन लाइफ, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हुआ सिमर, कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं हरिप जी, ऐसी बात नहीं, बस मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ गलत होने जा रहा है। आपको पता है रीमा दी और अदिति भी बहुत अजीब सा बिहेव कर रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा हरिप जी। इनफैक्ट मुझे डर लग रहा है हरिप जी, वो तारा है ना, उस पर मेरा शक बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है वो कुछ करने वाली, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है हरिप जी। वो यहाँ किसी मकसद से आई। सिमर, उसकी कोशिशें सिर्फ कोशिशें रह जाएंगी, कुछ गलत नहीं होगा, हम मिलकर सामना करेंगे, है ना? लेकिन आरिफ जी, अगर उसने आगे कुछ नहीं, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, और जब तक हम साथ तब तक कुछ गलत हो भी नहीं सकता। सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, क्योंकि हम टीम सिरफ है, और सिरफ के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वैलेंटाइन इसके साथ नहीं, मेरे साथ मनाओगे?